आईपीएल के 13वें संस्करण के शुरू होने से ठीक एक महीना पहले आखिरकार इस क्रिकेट टूर्नामेंट को अपना स्पॉन्सर मिल गया। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन ने 222 करोड़ रुपए में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। अगर सूत्रों की माने तो ड्रीम इलेवन 2021 और 2022 में भी आईपीएल का स्पॉन्सर रह सकता है अगर वीवो अपने हाथ पीछे खींच लेता है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी साफ तौर पर इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। आईपीएल हर साल अप्रैल और मई के महीने में भारत में खेला जाता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण इसे सितंबर तक टालना पड़ा है। इससे पहले सितंबर में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होना था, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसे आयोजित कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी, जिसके बाद आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप को इस साल टालने का फैसला किया। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को यूएई में आयोजित कराने का फैसला किया है। हालांकि आईपीएल का पूरा कार्यक्रम आना अभी बाकी है, लेकिन बीसीसीआई ने इसे सितंबर 19 से नवंबर 10 तक कराने का निर्णय लिया है। आईपीएल 13 का पहला मुकाबला 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स बीच खेला जाएगा। शाम के मैच भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होंगे, जबकि दोपहर के मैच भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे शुरू होंगे। आईपीएल के 13वें संस्करण के मैच यूएई के 3 शहरों में खेले जाएंगे। ये मैच दुबई, शारजा और आबू धाबी में खेले जाएंगे। जानकारी के अनुसार सारी टीमें 21 अगस्त और 24 अगस्त के दरमियान यूएई पहुंचेंगी। सभी टीमों को यूएई में पहुंचकर 7 दिन का क्वारंटीन करना होगा, जिसके बाद हर खिलाड़ी का कोरोना वायरस टेस्ट भी होगा। हालांकि बीसीसीआई ने अभी एसओपीज की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। बीसीसीआई के सामने इस 53 दिवसीय टूर्नामेंट का कोरोना महामारी के दौरान सफल आयोजन कराना एक बड़ी जिम्मेवारी होगी। इससे पहले साल 2009 में आईपीएल को भारत के बाहर साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, और वर्ष 2014 में आईपीएल के कुछ मैच यूएई में खेले गए थे।